यूपी के हरदोई में मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार की सरकारी एम्बेसडर कार की टक्कर से प्राथमिक स्कूल में कक्षा 3 की पढ़ाई कर रहा छात्र घायल हो गया। हादसे के बाद कार चालक ने रुकना मुनासिब नहीं समझा। घायल छात्र को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सीडीओ उसे देखने पहुंचे। मामला हरदोई के शहर कोतवाली इलाके के कुतुवापुर का है, जहां सुरसा थाने में समाधान दिवस से मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार वापस लौट रहे थे। कुतुवापुर के प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 3 में पढ़ने वाले ननहेस अचानक सड़क पर आ गया। अचानक छात्र के आने से वाहन चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं कर सका और कार ने बच्चे को कुचल दिया। हादसे के बाद हादसे में घायल छात्र को परिजन उठाकर इलाज के लिए जिला अस्पताल लाए और भर्ती कराया गया। वहीं जिला अस्पताल में छात्र का इलाज किया जा रहा है। काफी देर बाद सीडीओ जिला अस्पताल पहुंचे और परिजनों से वार्ता की। पेश है हरदोई के संवाददाता सुनील कुमार की खास रिपोर्ट। गाड़ी सुरसा से हरदोई आ रही है, तो एक बच्चा विश्वास गुप्ता नाम, सड़क दौड़ के क्रॉस किया, गाड़ी में ब्रेक लगाया गया, बहुत कंट्रोल की गई, तब भी उसमें उसको जो है टक्कर लगी। यहाँ अस्पताल में लाया गया, चिकित्सकों ने बताया कि आउट ऑफ डेंजर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और मेरे द्वारा डॉक्टरों को कहा गया अधिकतम संचित इलाज इनका। मेरा भाई था, चाचा का लड़का है, स्कूल से निकला था घर के लिए खाना खाने के लिए, सी डी ओ साहब की गाड़ी से टक्कर लगी और सी डी ओ साहब ने रोक के एकदम से रोक के फिर भगा दिया।